Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3. Subject is SS. We are discussing chapter number 6, Kolkata, and this is my session number 3 for this chapter. So kids, we have already finished the explanation part of this chapter. इस चैप्टर को मैंने पूरी तरह से दो सेशंस इससे पहले जो सेशन 1 और 2 लिए उसमें एक्सप्लेन कर दिया है. आज के सेशन में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है इन पेज नंबर 302 वो डिस्कस करने जा रहे हैं. बट बिफोर आई डिस्कस द एक्सरसाइज आई वॉन्ट यू ऑल टू रिकॉल व्हाट डिड वी स्टडी रिगार्डिंग कोलकाता इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में कोलकाता के रिगार्डिंग हमने क्या पढ़ा था इसको एक बार हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. लास्ट सेशन में मैंने आपको ये भी बोला था कि आप चैप्टर को एक बार रीड कीजिएगा ताकि कोई आगे एक्सरसाइज जब डिस्कस करें तब प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो आई होप कि आपने सबने चैप्टर रीड किया होगा. किया है ना? ओके, वेल डन, वेरी गुड. सो एक बार हम इस चैप्टर की हाइलाइट्स देख लेते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या है. सबसे पहले कोलकाता. कोलकाता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया का. तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? पहले कोलकाता कहाँ सिचुएटेड है? करेक्ट, इट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में कोलकाता लोकेटेड है, नियर बे ऑफ बंगाल. करेक्ट, तो यहाँ का क्लाइमेट क्योंकि बे ऑफ बंगाल के नजदीक है तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? इट इज मोस्टली वार्म एंड ह्यूमिड, गर्मी वाला और ह्यूमिड भेज वाला वातावरण होता है. विंटर्स में कूल हो जाता है एंड हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून. मॉनसून सीजन, रेनी सीजन में यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है. देन हिस्ट्री. हिस्ट्री ऑफ कोलकाता क्या है? कोलकाता हिस्ट्री सुतानुती, देन गोबिंदपुर एंड कालीकाता, ये तीन विलेजेस दे वेर ज्वाइन टूगेदर एंड मेड कलकत्ता इन द ईयर 1690. देन द नेम चेंज फ्रॉम कलकत्ता और कैलकटा टू कोलकाता इन द ईयर 2000. पहले इसे कैलकटा या कलकत्ता कहा जाता था. देन इन द ईयर 2000 इसको चेंज करके कोलकाता ऑफिशियली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया. यहाँ कोलकाता अगर आप जाते हो तो यहाँ क्या होता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन कौन सी जगह है जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हो, देखने लायक जगह कौन कौन सी है? दैट इज फोर्ट विलियम्स, विक्टोरिया मेमोरियल, मैदान, बोटानिकल गार्डन, इंडियन म्यूजियम, अलीपुर जू, बिरला प्लानिटोरियम, ईडन गार्डन्स, सॉल्ट लेक स्टेडियम, हावड़ा स्टेशन, देन मेन रेलवे स्टेशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट. ये बहुत सारी जगह है. चैप्टर्स में कुछ जगहों का नाम आपको दिया गया है, बाकी की जगह भी यहाँ बहुत सारी है जो आप देखने के लिए जा सकते हो. नेक्स्ट, यहाँ की पीपल कैसे हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, क्या खाते हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं. लैंग्वेज, यहाँ कोलकाता वेस्ट बंगाल में है तो यहाँ की लैंग्वेज है बंगाली, दे स्पीक इन बंगाली. देन हिंदी एंड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन. हिंदी और इंग्लिश भी, बंगाली के अलावा हिंदी इंग्लिश भी ये लोग जानते हैं. मेन फूड इनका है राइस एंड फिश. राइस एंड फिश, चावल और फिश सबसे ज्यादा खाते हैं क्योंकि बे ऑफ बंगाल से नजदीक है कोलकाता, तो इसीलिए फिश इनकी मेन फूड कोर्स में आता है. देन मेन फेस्टिवल इनका है दुर्गा पूजा एंड काली पूजा. दुर्गा पूजा नवरात्रि के वक्त होती है, दुर्गा पूजा ये इनकी मेन फेस्टिवल मानी जाती है और ये काली माता को बहुत मानते हैं इसीलिए काली पूजा भी बहुत करते हैं. देन ऑफिस ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन कोलकाता. वेस्ट बंगाल के जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है तो ये सारे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की मेन ऑफिसेस कोलकाता में लोकेटेड है. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग कोलकाता. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट. बिफोर डिस्कसिंग एक्सरसाइज हियर इन दिस चैप्टर दे आर गिवन टू और
मीनिंग्स, लेट अस गो थ्रू द मीनिंग्स। आपको तीन मीनिंग्स दिए गए हैं तो उन मीनिंग्स को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या है? स्टाइल एंड डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स। किसी भी बिल्डिंग को बनाने का और उसकी डिजाइन का जो स्टाइल है उसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर। नेक्स्ट एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मतलब हिंदी में प्रदर्शन। एग्जीबिशन मीन्स अ डिस्प्ले ऑफ सर्टेन आइटम्स फॉर द पब्लिक। किसी आइटम को डिस्प्ले करना पब्लिकली के सारे लोग उसे देख सके, इसे कहते हैं एग्जीबिशन। नेक्स्ट इज मिनिएचर। अ वेरी स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग। किसी चीज की एकदम छोटी सी एक कॉपी बना दो तो उसे कहते हैं मिनिएचर। क्या कहेंगे? मिनिएचर। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज। यहां इस चैप्टर की एक्सरसाइज में मेन क्वेश्चंस है मैच द फॉलोइंग, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, चूज द करेक्ट आंसर, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो लेट अस डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मेन क्वेश्चन दैट इज मैच द फॉलोइंग। लेट मी रीड कॉलम ए फॉर यू। कॉलम ए, ए कोलकाता, बी बंगाली, सी फोर्ट विलियम, डी बोटानिकल गार्डन्स एंड ई संदेश। नाउ लेट मी रीड कॉलम बी फॉर यू। नंबर वन, बिल्ट बाय ब्रिटिश। नंबर टू, अ बंगाली स्वीट। नंबर थ्री, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। नंबर फोर, मेन लैंग्वेज स्पोकन इन कोलकाता। नंबर फाइव, ग्रेट बैनियन ट्री। नाउ लेट इज मैच देम। इन कॉलम्स को मैच कर लेते हैं। आई होप यू आर हैविंग पेंसिल विथ यू। आप अपने साथ पेंसिल ले लीजिए ताकि जैसे जैसे हम आंसर्स डिस्कस करें तो उनको आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से टिक कर लोगे। डू नॉट यूज पेन। टेक्स्ट बुक में पेन को यूज नहीं करना है। क्लियर? ओके, लेट इज स्टार्ट। कॉलम ए, ऑप्शन ए कोलकाता। यू विल मैच इट विथ कॉलम बी, ऑप्शन नंबर थ्री, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता क्या है? कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। सो यू विल मैच ए विथ नंबर थ्री। नेक्स्ट कॉलम ए, ऑप्शन बी बंगाली। कॉलम ए, ऑप्शन बी बंगाली। यू विल मैच इट विथ कॉलम बी, ऑप्शन नंबर फोर, मेन लैंग्वेज स्पोकन इन कोलकाता। ये कोलकाता की मेन लैंग्वेज है। सो यू विल मैच बी विथ नंबर फोर। नेक्स्ट कॉलम ए, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। यू विल मैच इट विथ कॉलम बी, ऑप्शन नंबर वन, बिल्ट बाय द ब्रिटिश। बिल्ट बाय द ब्रिटिश। सो यू विल मैच सी विथ नंबर वन। नेक्स्ट इज कॉलम ए, ऑप्शन डी बोटानिकल गार्डन्स। बोटानिकल गार्डन्स। यू विल मैच इट विथ कॉलम बी, ऑप्शन नंबर फाइव, ग्रेट बैनियन ट्री। बोटानिकल गार्डन्स, यू विल मैच इट विथ ग्रेट बैनियन ट्री। सो यू विल मैच डी विथ नंबर फाइव। नेक्स्ट कॉलम ए, ऑप्शन ई संदेश। संदेश। यू विल मैच इट विथ कॉलम बी, ऑप्शन नंबर टू, अ बंगाली स्वीट। ये एक बंगाली स्वीट है। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड मैच द फॉलोइंग। लेट अस चेक इफ यू हैव मार्क ऑल द मैच द फॉलोइंग करेक्टली। यू विल मैच ए विद नंबर थ्री, बी विद नंबर फोर, सी विद नंबर वन, डी विद नंबर फाइव एंड ई विद नंबर टू। आई बी डन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेन क्वेश्चन दैट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सो हियर दे हैव गिवन यू फ्यू स्टेटमेंट्स। इफ यू फील दैट दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट देन इट इज ट्रू, सो यू विल राइट टी। इफ यू फील दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और इट इज फॉल्स, सो यू विल राइट एफ। ओके, लेट्स स्टार्ट दैट। ए, कोलकाता वॉज अर्लियर नोन एज बॉम्बे। कोलकाता का पुराना नाम था बॉम्बे।
इज इट ट्रू? नो, कोलकाता का पुराना नाम क्या था? कलकत्ता या कैलकटा। तो ये बॉम्बे मुंबई का नाम था। बॉम्बे इज नॉट रिलेटेड टू कोलकाता, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। तो राइट एफ। नेक्स्ट बी, द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज मोस्टली हॉट एंड ह्यूमिड। यहां कोलकाता का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड रहता है? नो, फॉल्स, क्योंकि हॉट बहुत गर्मी नहीं होती है, वार्म होता है, वार्म एंड ह्यूमिड, सो दिस इज फॉल्स अगेन। सो राइट एफ। नेक्स्ट सी, फोर विलेजेस वर जॉइंट टू फॉर्म कोलकाता। चार विलेजेस को जॉइन करके कोलकाता को बनाया गया था, इज इट ट्रू? नो, सिर्फ तीन विलेजेस को जॉइन किया गया था, फोर विलेजेस को नहीं जॉइन किया गया था, सो दिस इज फॉल्स अगेन। सो राइट एफ। नेक्स्ट डी, कोलकाता इज फेमस फॉर इट्स ब्रिटिश आर्किटेक्चर। कोलकाता में ब्रिटिश आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, यहां के बिल्डिंग्स ब्रिटिश आर्किटेक्चर को दिखाते हैं, इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मिनिएचर ऑफ लंदन यहां बनाया था, सो दैट इज व्हाई यहां आप ब्रिटिश आर्किटेक्चर को देख सकते हो, सो दिस इज ट्रू। राइट टी। नेक्स्ट ई, ऑल द मेन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर सेलिब्रेटेड हियर। इंडिया के सारे मेन फेस्टिवल्स को यहां सेलिब्रेट किया जाता है, इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। सो राइट टी। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड डिस्कसिंग द आंसर्स फॉर ट्रू और फॉल्स। लेट्स चेक इफ यू हैव मार्क्ड ऑल ट्रू और फॉल्स करेक्टली और नॉट। ओके, ए इट्स फॉल्स, बी फॉल्स, सी फॉल्स, डी ट्रू एंड ई इज ऑल्सो ट्रू। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मेन क्वेश्चन, दैट इज चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। सो हियर दे हैव गिवन यू ब्लैंक्स एंड द आंसर टू दीज ब्लैंक्स आर गिवन इन द ऑप्शंस बिलो द ब्लैंक। ब्लैंक के नीचे चार ऑप्शंस है जिनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है इस ब्लैंक के लिए। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दैट नाउ। ओके, ए द सिटी ऑफ कोलकाता इज सिचुएटेड नियर द रिवर डैश। सिटी ऑफ कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे पर सिचुएटेड है? ऑप्शंस आर नंबर वन हुगली, नंबर टू यमुना, नंबर थ्री नर्मदा, नंबर फोर तप्ती। आंसर इज नंबर वन हुगली। नेक्स्ट बी, डैश वॉज द ओल्ड नेम ऑफ कोलकाता। डैश वॉज द ओल्ड नेम ऑफ कोलकाता। कोलकाता का पुराना नेम कौन सा था? नंबर वन कालीकाता, नंबर टू सुतानोती, नंबर थ्री कैलकटा, नंबर फोर गोबिंदपुर। आंसर इज नंबर थ्री कैलकटा। बाकी के तीन जो है वो विलेजेस के नाम थे जिनको ज्वाइन करने के बाद कैलकटा बना था, मगर पुराना नेम कैलकटा था, सो दिस इज कैलकटा वॉज द ओल्ड नेम ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट सी, द सिटी ऑफ कोलकाता वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर डैश। किस ईयर में कोलकाता सिटी बना था? ऑप्शंस आर नंबर वन 1690 CE, नंबर टू 1968, नंबर थ्री 1869, नंबर फोर 1896। करेक्ट आंसर इज नंबर वन 1690 CE। नेक्स्ट डी, द मेन डाइट ऑफ बंगालीज कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। डाइट मीन्स खाना, तो बंगाली लोगों का मेन खाना कौन सा है? ऑप्शंस आर नंबर वन राइस एंड फिश, नंबर टू व्हीट एंड फिश, नंबर थ्री राइस एंड चिकन, नंबर फोर व्हीट एंड चिकन।
Correct answer is number 1, rice and fish. Next, E. Dash Puja is celebrated in Kolkata with great joy. बहुत joyfully किस पूजा को ये लोग celebrate करते हैं कोलकाता के लोग? Options are number 1, लक्ष्मी. Number 2, दुर्गा. Number 3, सरस्वती. Number 4, गणेश. Correct answer is option number 2, दुर्गा. Okay, so here we have already finished the question number 3. Let's check if you have marked all the answers correctly or not. A, answer is option number 1. B, answer is option number 3. C, answer is option number 1. D, answer is option number 1. And E, answer is option number 2. Now let's move on to the next main question, that is unscramble the letters to form the correct words. So here they have given you few statement. In statements ke answer jo hai wo aapko bracket mein diye gaye hain, but unke alphabets ko jumble kiya gaya hai. To usme se aapko identify karna hai ke ye correct answer kya hai aur uski correct spelling kya hai. Okay? So let us start that. A, a tourist attraction in Kolkata. ये एक कोलकाता का टूरिस्ट अट्रैक्शन है. सो व्हाट इज इट? इट इज, आंसर इज ईडन गार्डन्स. ईडन गार्डन्स, आई एम सॉरी. नेक्स्ट बी, द सीजन व्हेन कोलकाता रिसीव्स हैवी रेनफॉल. किस सीजन में कोलकाता में बहुत ज्यादा बारिश होती है? आंसर इज मॉनसून. मॉनसून. Next, C. One of the villages that form Kolkata. ये एक village है जिससे कोलकाता बना है. So, तीन villages के नाम यहाँ पर हमने already chapter में देखे थे. तो what do you think? कि ये jumble letters को देखकर आपको क्या लगता है? किस village का name इससे बनेगा? Yes, the answer is Sutanuti. Sutanuti. Next, D. An important fort in Kolkata. ये कोलकाता का एक बहुत important fort है. So what is it? Answer is Fort William. Fort William. Next E. A huge park near Victoria Memorial. Victoria Memorial के पास बहुत बड़ा park है. तो वो कौन सा है? Answer is मैदान. मैदान. Okay, so now let's check if you have marked all the answers correctly. A, answer is Eden Gardens. B, answer is Monsoon. C, answer is Sutanuti. D, answer is Fort William. E, answer is Mehta. Clear? Okay, now let's move on to the answer the following questions. Now you can keep your pencils down and listen to the explanation of the answers carefully. यहाँ पर आपको मैं answers explain करूँगी जो आप carefully सुनोगे. PDF के through आपको CW work मिल जाएगा. वो आप अपनी CW में copy कर लेना बाद में. Clear? So let us start that. Question A. Describe the climate of Kolkata. Kolkata का climate कैसा है? Answer is In Kolkata, summers are warm and humid, winters are cold, and there is heavy rain in monsoon. Summer warm and humid है, winter cold है, and monsoon में heavy rainfall होता है. Clear? Next, B. What do you know about the history of Kolkata? Kolkata की history के बारे में आपको क्या पता है? Answer is The three villages of Sutanuti, Gobindpur and Kalikata were joined by the British to form the city of Kolkata in 1690 CE. Britishers ne 1690 CE mein teen villages, that is Sutanuti,
गोबिंदपुर और कालीकाता इन तीन विलेजेस को ज्वाइन करके एक सिटी बनाया था जिसका नाम था कैलकटा. द ब्रिटिश क्रिएटेड द मिनिएचर वर्जन ऑफ लंदन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली. और यहां उन्होंने लंदन, क्योंकि वो उनका होम टाउन था, तो उसका एक छोटा सा मिनिएचर बनाया था, करेक्ट, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, क्योंकि यहां रिवर हुगली पास होती है, तो रिवर हुगली के किनारे उन्होंने इस प्लेस को बनाया था. मेनी पीपल फ्रॉम कोलकाता हैड ऑल्सो टेकन पार्ट इन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस. कोलकाता से बहुत सारे लोगों ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था. इन 2000 द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफिशियली रीनेम्ड कैलकटा टू कोलकाता. 2000 में वहां की वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इसका नेम कैलकटा से चेंज करके कोलकाता रख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ कोलकाता. कोलकाता के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन कौन से हैं? आंसर इज द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ कोलकाता आर विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, बोटानिकल गार्डन, अलीपुर जू एंड मैदान. नेक्स्ट डी, विच फूड आइटम्स इज कोलकाता फेमस फॉर. फेमस किस चीज के लिए, कौन सी फूड आइटम के लिए कोलकाता बहुत फेमस है? आंसर इज कोलकाता इज फेमस फॉर फूड आइटम सच एज संदेश, रसगुल्ला एंड मिष्टी दही. संदेश, रसगुल्ला एंड मिष्टी दही, ये तीन मिठाई है, बंगाली मिठाई जो बहुत फेमस है. नेक्स्ट ई, राइट अबाउट द कल्चर ऑफ कोलकाता. कल्चर ऑफ कोलकाता मतलब कलकत्ता के लोगों का कल्चर कैसा है. आंसर इज कोलकाता हैज अ रिच कल्चर, पीपल आर फॉन्ड ऑफ डांस, म्यूजिक, पोएट्री एंड पेंटिंग्स. ऑल द मेन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर सेलिब्रेटेड हियर. सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. दुर्गा पूजा एंड काली पूजा आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय. सारे फेस्टिवल्स में से दुर्गा पूजा और काली पूजा को बहुत जॉयफुली ये सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाई हावड़ा ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोलकाता. यहां पर हावड़ा ब्रिज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है हावड़ा ब्रिज? आंसर, हावड़ा ब्रिज इज बिजिएस्ट कॉन्टिलीवर ब्रिज इन द वर्ल्ड. हावड़ा ब्रिज जो है वर्ल्ड का बिजिएस्ट कैंटिलीवर ब्रिज माना जाता है. इट कैरीज अ डेली ट्रैफिक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 लाख व्हीकल्स एंड मोर देन 1,50,000 पेडेस्ट्रियन. ये एक ऐसा ब्रिज है जिसके ऊपर से रोज के, मतलब पर डे, व्हीकल्स अप्रोक्सीमेटली 1 लाख व्हीकल पास होते हैं, और जो चलकर जाते हैं लोग उन्हें पेडेस्ट्रियंस कहा जाता है. तो अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 लोग रोज इसके ऊपर से चलकर जाते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. आई एम सेंडिंग अ पीडीएफ टू यू इन विच आई एम सेंडिंग सीडब्ल्यू वर्क, जो आप अपनी सीडब्ल्यू में कॉपी करोगे. I hope you will copy your CW work with good handwriting and no spelling mistakes. Next session we will start with the new chapter. Okay? So, chalo. Let me take your leave now. Bye.